हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी में लिखे कठिन से कठिन शब्दों को, कितना ही कठिन से कठिन शब्द हो और बड़े से बड़े शब्द उसको आप आसानी से इंग्लिश में किस प्रकार लिखेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट भी जरूर करिए कैसा लगता है मेरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या, ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार पहले लिखिए ग्रहणा, उसके बाद लिखिए अधिकार, बना जाएगा ग्रहणाधिकार। तो गो के लिए क्या लिखते हैं, जी। क्या लिखते हैं, जी। इसमें रो है तो आर ए, ग्रह हना, एच ए एन ए, क्या बन गया, ग्रह न। धिकार है तो धो के लिए क्या लिखते हैं, डी एच, डी एच आई के ए आर, क्या बन गया, ग्रहना धिकार। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, कार्य पंजी, पहले लिखिए कार्य उसके बाद पंजी, बन जाएगा कार्य पंजी, कार्य। तो के ए आर वाई ए, क्या बन गया, कार्य। क्यों रेफ के लिए आर लिखते हैं, पंजी, पी ए एन जे डबल ई, क्या बन गया, कार्य पंजी। उसी प्रकार यहाँ देखें शब्दा डम्बरता, शब्दा डम्बरता, तो शब्दा लिखे शब्दा, तो एस एच ए बी डी ए, क्या बन गया, शब्दा डम डंसवा वो डम्ब है तो डी ए एन एम बी डम्बरता, तो बी ए आर टी ए, क्या बन गया, शब्द डम बढ़ता, क्या बन गया, शब्द डम बढ़ता। उसी प्रकार यहाँ देखिए कार्तिमान, कार्तिमान तो के ए आर टी आई, कार्तिमान एम ए एन, क्या बन गया, कार्तिमान, क्या बन गया, कार्तिमान। आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तब यहाँ देखिए क्या है, न्यायाधीश है, क्या न्यायाधीश, न्याय धीस, तो नौ के लिए क्या लिखते हैं, एन, आधा नौ इसलिए सिर्फ एन लगेगा, यो के लिए वाय, ए वाय, क्या हो गया, न्याय, अधीश है तो डी एच डबल ई, तालम सो के लिए एस एच, तो क्या बन गया, न्यायधीश, क्या बन गया, न्यायधीश। उसी पर कहीं देखिए कि न्याय, न्याय उसके बाद लिखिए पालिका, बन जाएगा न्यायपालिका, तो एन वाय ए वाय, न्याय पालिका, तो पी ए लो के लिए एल, हर्षिका के लिए आई, के लिए को, ए के लिए आ, न्याय पालिका, क्या बन गया, न्याय पालिका। उसी पर ध्यान देखिएगा भू स्वामी, तो भो के लिए क्या लिखते हैं, बी एच, बी एच डब्लू, भू स्वामी, तो एस डब्लू ए एम आई, क्या बन गया, भू स्वामी, क्या बन गया, भू स्वामी। यहाँ देखिए क्या अर्जित है, अर्जित, तो ए के लिए क्या लिखते हैं, ओ के लिए ए, रेफ है, पहले रेफ का आपको लिखना, ए आर जे जो है, उसके बाद हर्षी का आई टी से, तो क्या बन गया, अर्जित, ए आर जी आई टी, अर्जित, क्या बन गया, अर्जित। ध्यान से आप देखते जाइए। देखिए क्या दंडाधिकारी, दंडाधिकारी बन जाएगा दंडाधिकारी, दो के लिए क्या लिखते हैं, डी, अंशा के लिए ए एन, फिर डी ए, डी ए एन डी ए, दंडाधिकारी, तो डी एच आई धी कैसे को ए आर डबल ई, क्या बन गया, दंडाधिकारी। यहाँ देखिए क्या मर्यादा, मर्यादा, क्या मर्यादा, तो एम ए आर, रेफ का आपको पहले लिखा मर या, तो वाई या डी ए डा, क्या बन गया, मर्यादा, क्या बन गया, मर्यादा। यहाँ देखिए ओ पर्याप्त है, अब ओ, ओ लिखिए पर्याप्त लिखिए, बन जाएगा ओ पर्याप्त, ओ के लिए ए लिखते हैं, पी के लिए पी, ए पी ए, रेफ का आपको लिखना पहले आर, वाई के लिए यो के लिए वाई ए, आधा पो है तो सिर्फ पी टी, क्या बन गया, ओ पर्याप्त, ओ पर्याप्त। उसी प्रकार यहाँ देखिए प्रासंगिक, 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 तो पो के लिए पी लिखते हैं, रो के लिए इसमें रो है तो इसलिए आर ए, प्रासंगिक, तो एस ए एन, गो के लिए जी, हर्षिका के लिए आई, के को के लिए के, क्या बन गया, प्रासंगिक, क्या बन गया, प्रासंगिक। आप ध्यान से देखते जाइए। तो आगे देखिए क्या वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, तो वो के लिए क्या लिखते हैं, भी, तो भी ई, तो के लिए टी ए एन, वेतन वृद्धि, तो भी आर, रीका के लिए आर आई, फिर दो है तो डी ए डी एच आई, वेतन वृद्धि, क्या बन गया, वेतन वृद्धि। यहाँ देखिए क्या है निरी
छिका, तो नौ के लिए क्या लिखते हैं एन, हर्षिका के लिए आर आई आर आई, एन आई आर आई नीरी छिका, अक्षो के लिए के एस एच, फिर हर्षिका है तो आई, फिर के ए, क्या बन गया निरी छिका, क्या बन गया निरी छिका। यहाँ देखिए क्या है संस्थापन, क्या संस्थापन, तो स के लिए एस लिखते हैं, अंशवा के लिए एन, सन सथा, तो एस टी एच ए संस्थापन है, तो पी ए एन पन, क्या बन गया संस्थापन, क्या बन गया संस्थापन। उसी प्रकार यहाँ देखिए निर्देश है, तो नौ के लिए क्या लिखते हैं एन, हर्षिका के लिए आई, रेफ का आपको पहले लिख लेना निर्देश, तो दो के लिए डी, अका के लिए ई, तालम सो के लिए एस एच, तो क्या बन गया निर्देश, क्या बन गया निर्देश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो मिलता रहे तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर करिए, और आप कमेंट करके बताइएगा मैं इंग्लिश में किसी भी तरह का वीडियो आपको बना के दे सकूँ, तो आप लोग इंग्लिश कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं किस तरह का इंग्लिश में आपको वीडियो बना के लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।